Simon! For point. Please welcome Ayat Mansoor. Have a huge. हम सबके लिए एक फख्र का मोमेंट है आज कि आज हम एक ऐसे महापुरुष वीर को हम नमन करने के लिए यहाँ आए हैं जो कि अशोक चक्र है लास्ट नायक नजीर अहमद वानी जो कि इसी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के रहने वाले थे. इन्होंने An honor to be in presence of such esteemed individuals who have dedicated themselves to the service of our country. मैं वीर पत्नी शहीद लक्ष नायक नजीर अहमद वानी अशोक चक्रा सैन्य मेडल बार हूँ. मैं प्रिंसिपल साहब डिग्री कॉलेज कुलगाम की बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि इस देश के बहादुर वीर शहीद दस नायक नजीर अहमद वानी जो कि मेरा पति था उसके आनर में आज का ये इजलास मनाकर किया गया. जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की तो उस कवि को आज तुम नकार दो. भीग थी मसों में आज फूल दी रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो. So I suppose that my keynote address would be on that. You know that with great difficulties and lot of sacrifices. डिग्री कॉलेज कुलगाम की तरफ से जो एजाज़ तकरीब मुनाकद हो रही है हम बहुत ही मशकूर व ममनून है कॉलेज इंतज़ामे के जिन्होंने हमें इस हवाले से दावत दी और जो शहदा है उनको खराज अकीदत पेश किया गया और हम उन तमाम शहदा को जो है सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए अपनी जानें निशावर की और साथ साथ जो मुख्तलिफ मोर्चों पर जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की और आज याद किया जा रहा है उनकी कुर्बानियों को हम कॉलेज इंतज़ामे के भी बहुत मशकूर ममनून है जिन्होंने आज इन शहीदों को याद किया उनकी कुर्बानियों को याद किया. बाकी से हमने वीरों को नमन के लिए किया था इसमें जो हमारी मेरी मिट्टी मेरे देश के तहत ये प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने जिस कुलगाम के एक वीर पुरुष अशोक चक्र जो हमारे लास्ट नायक जो हमारे नज़ीर अहमद वानी साहब हैं तो उनको हमने खराज कर उनके फैमिली को हमने यहाँ बुला कर इनको हमने थोड़ा सा फेलिसिटेशन की. हम क्या कर सकते हैं कौन उनको फेलिसिटेट कर रहा है तो हम इन बहादुर वीरों को हम नमन करते हैं.